Hi guys, it's just me Vanna. Welcome and welcome back to my channel, The Glam Bomb. How's it doing? So guys, if you're watching me first time, please take a moment to subscribe my channel first and don't forget to hit the notification bell button icon also. So guys, today's video gonna be a really really interesting video, because in this video I'm going to tell about the product which I actually use. You guys know brand has send me a lot of product and ऐसा नहीं है कि हम उन सारे products को लगाते हैं, but उनमें से बहुत सारे ऐसे product हैं जो काफ़ी genuinely काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. And I am the sensitive skin type of person, मेरी skin काफ़ी ज़्यादा sensitive है, so I am not applying all the product on my skin, but कुछ ऐसे product हैं जो मेरी skin के लिए काफ़ी ज़्यादा helpful रहे. आपने गौर करा होगा, मेरी skin पहले uneven थी, अब बिल्कुल ही even skin tone हो गया है, flaky नहीं लगती, hydrated लगती है, nourished लगती है. तो ऐसा मैं अपनी skin को क्या देती हूँ, कौन से प्रोडक्ट लगाती हूँ, यही वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ. तो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय होल वीडियो, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट ऑल्सो. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो. सो गाइज, एज यू ऑल नो, आई हैव अ लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट. ये तो अभी आधे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं दे चुकी हूँ सबको. एंड इतने सारे प्रोडक्ट हैं, मैं आपको बताऊंगी कि जेनुअली मैं इनसे भी कौन से यूज़ करती हूँ. कुछ कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ ऐसे ही रखे हैं, कुछ मैं गिफ्ट कर देती हूँ, बट ये वाले सारे प्रोडक्ट जो मेरे पास हैं वही मैं आज आपको दिखाऊंगी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से. एक्चुअली आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉशेस लेने हैं. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप कोई भी फेस वॉश नहीं लगाना. मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा फेस वॉश लगाना चाहिए. एंड If you are a beginner to use face washes, so don't apply anything on your face. Otherwise, आपकी skin पे आप pimples आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. So अगर आपकी बहुत ज़्यादा dry skin है, like मेरी बहुत ज़्यादा dry skin है, even मेरी जो skin है वो summers में भी dry हो जाती है, तो उसके लिए ये best product है. ये है Cetaphil का gentle skin cleaning, जो है dry to normal और sensitive skin के लिए. Guys, this product has my heart. ये इतना ज़्यादा gentle है आपकी skin के लिए, and इसको लगाने के बाद ना आपको बिल्कुल लगता ही नहीं कि आपने कुछ फेस वॉश करा भी है, बट इम्प्योरिटीज बिल्कुल हट जाती है. जब मैं इसको लगाती रहती हूँ, कभी कभी मैं इसको स्विच करके अपना विटामिन सी फेस वॉश भी यूज कर लेती हूँ, बिकॉज ये आपके स्किन पे जो ऑयल रहता है उसको ढंग से नहीं हटा पाता है. तो ये आपके विंटर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है. तो इसके साथ अगर आप यूज करते हैं तो ये मेरे पास एक बायोडर्मा का भी है. ये बायोडर्मा का भी सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है एंड आप बिगनर हो तो दीज टू प्रोडक्ट्स आर हाईली हाईली रिकमेंडेड. दीज टू आर वेरी वेरी जेंटल ऑन योर स्किन. आपको इसको लगाने के बाद स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं लगेगी एंड हाइड्रेटेड एंड नारिश भी लगती है. मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, एंड सबसे अच्छी बात है ये मुझे डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड करा था जब मैंने उनको अपनी स्किन दिखाई थी, बिकॉज बीच में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लगी थी. सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दीज प्रोडक्ट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन है. दीज टू प्रोडक्ट्स आर रियली रियली गुड. इसके बाद चलते हैं, अगर आपके स्किन में काफी ज्यादा आपको ऑयल आता है, काफी ज्यादा आपकी स्किन यू नो ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट उनके लिए होता है विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी के अंदर ऐसी इंप्योरिटीज है जो आपकी जो एक्ने कॉजिंग जर्म्स होते हैं उनको डीप क्लीन कर देता है. तो विटामिन सी आपके फेस वॉशेस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके लिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ. इन बिटवीन ऑफ द दीज प्रोडक्ट मैं कभी कभी इनको भी यूज़ कर लेती हूँ. तो मेरे पास है यहाँ पे डॉट एन की का सी का कामिंग ब्लेमिशिंग क्लियरिंग फेस क्रीम भी ले सकते हैं. दोनों ही बहुत अच्छे हैं. साथ में आपको बताना चाहूँगी कि डॉट एन की की रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी है. अगर आपने अभी तक डॉट एन की नहीं यूज़ करा तो आप कर लो. इनके हर एक प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा जेंटल लगेंगे अपने स्किन पे एज कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट. फेस वॉशेस मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं. इसके साथ मेरे पास डॉट एन की का ये वाला प्रोबायोटिक फेस वॉश भी, दिस इज अ रियली रियली गुड फेस वॉश ऑल्सो. बट जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वो है सेटाफिल एंड बायोडर का जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, ठीक है. तो ये थे फेस वॉशेस. फेस वॉश के बाद आता है कि आप अपनी स्किन पे टोनर बहुत अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं. टोनिंग आपको स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है. जब भी आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपको टोनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. टोनर आपकी स्किन को टाइट रखता है. आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ टोनर्स, बट मेरी स्किन के लिए जो टोनर जाता है वो है ये डॉट एन की का टोनर. गाइज, दिस वन इज़ अ सीका कामिंग रेंज ऑफ द डॉट एन की. इन्होंने मुझे कुछ
टाइम पहले भेजी थी पूरे गोवा में, बस मैं इसकी यही वाली रेंज ले गई थी एंड गोवा के ही टैनिंग में भी मुझे स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे ये प्रोडक्ट। तो डॉट एंड की का टोनर है बहुत ज़्यादा एंड ऑलमोस्ट ये एम्प्टी ही है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी टोनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको हाथ में लेना है, पैट पैट करना है एंड उसको एयर ड्राई होने देना है। इसके बाद अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे तो ये प्लम का टोनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ करा है, इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप इसको जरूर जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर एज अ सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन आई जस्ट लव टू अप्लाई टोनर्स एंड मेरे पास है यहाँ पे गुड वाइब का डी टैन ग्लो टोनर विद यू नो उपटन वाला, इसके सैफ्रॉन की इतनी अच्छी खुशबू आती है एंड आई जस्ट लव दिस टोनर, आप इसको ले सकते हैं, इट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये टोनर मैं सारे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडा ठंडा लगता है ना फिर स्किन पे, तो यस ये वाला टोनर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। सो गाइज आफ्टर टोनर जब आपका स्किन केयर हो जाता है उसके बाद आपको यूज़ करने पड़ते हैं सीरम्स, एंड सीरम्स यूज़ करना यू नो मुझे लगता ही नहीं था कभी कि सीरम्स हमारी स्किन के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट व्हेन आई जस्ट यूजिंग देम आपको लगता है कि आपके स्किन यू नो न्यू हो गई है, आपके जो सेल्स हैं स्किन के अंदर के वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, आपकी अनइवन स्किन टोन होती है वो इवन हो जाती है, स्किन पिगमेंटेड नहीं रहती है। सबसे बड़ी बात है कि अब वी आर नाउ क्रॉस 30 एंड हमको रिंकल्स अब भी आने पड़ते हैं, तो रिंकल्स को भी प्रिवेंट करता है सीरम्स, अगर आपने सीरम्स लगाए आपके स्किन हाइड्रेटेड है नरिश्ड है तो आपके रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपके जो स्किन से उनको डेड सेल्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो सीरम्स के बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं, आई हैव ट्राइड लाइक एवरी सीरम जो मुझे ब्रांड ने भेजा था बट नो वन बीट दिस सीरम एंड ये है गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम एंड दिस वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट। जब से मैंने सीरम लगाना शुरू करा है, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा था तभी से मैंने सीरम्स लगाना शुरू करा, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो जो सीरम्स मैंने स्टार्ट करा था वो इसी से करा था बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्किन। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय फर्स्ट टाइम कोई सीरम लेना चाहते हो तो दिस वन सीरम इज रियली रियली गुड, ये इतना ज़्यादा अच्छा ना आपकी स्किन के लिए, यू नो दो से तीन बूंदें ही आपके स्किन के लिए कमाल कर जाती हैं, बस आपको इसको लाइक सुबह आपने चेहरा धो लिया, आपने फेस वॉश करा, आपने टोनिंग कर दी, उसके बाद आप ये वाला सीरम लगा लो, दो बूंद लगा के छोड़ दो, उसके बाद आप ऐसे ही नाइट में भी कर सकते हैं एंड दिस सीरम हैज़ माय हार्ट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं चाहे ड्राई स्किन वाले हैं या ऑयली स्किन वाले हैं, दिस सीरम एक कम्प्लीटली बहुत अच्छा सीरम है। गुड वाइब्स के और सीरम भी मैंने यूज़ करे थे बट दिस वन इट्स 100 out of 100, मस्ट ट्राई, इसको ले लो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो मैं आपको बताया था डॉट एन की का ये नायसिनेमाइड एंड सैलिसिलिक एसिड वाला जो सीरम है गाइज दिस सीरम इज ऑल्सो रियली रियली गुड, ये मतलब अगर आपकी स्किन पे कहीं पे एक्ने भी आ रहा है सीरम को लगा के छोड़ दोगे सुबह आपका वो एक्ने गायब भी हो जाता है सच बताऊँ तो दिस इज अ रियली रियली नाइस। ये सीका कामिंग रेंज है इसका जो मैंने आपको बताया था, ये टोनर है इसका फेस वॉश है एंड इसका सीरम है, तीनों अगर आपने यूज़ कर लिया ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो दूसरा मैं ये लगाती हूँ, आजकल जो मेरे पास सीरम है जो मुझे न्यू आया था एक सीरम, ये है एम कैफेन का फेस सीरम एंड दिस इज अ गुड, इट इज सीरम हैज़ अ गुडनेस ऑफ विटामिन सी एंड टी ट्री, मैंने बोला है आपको, आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं उसके अंदर अगर विटामिन सी कोई इंग्रेडिएंट है तो आपको ले लेना चाहिए, विटामिन सी सैलिसिलिक एसिड एंड नायसिनेमाइड ये तीनों आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट इनको साथ में लगाना थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, अगर आप विटामिन सी लगाते हैं तो आप विटामिन सी ही लगाइए, तो इसमें विटामिन सी है कैफीन है एंड ग्रीन टी एंड दिस वन इज ऑल्सो रियली गुड। मैं आजकल रेनी सीजन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत जल्दी से स्किन में अब्जॉर्व हो जाता है, तो आप इसको लेना लगाना ना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो आपको अपना स्किन केयर करना नहीं छोड़ना है अदरवाइज स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे डॉट एन की का विटामिन सी, अगेन डॉट एन की का विटामिन सी आप देख रहे हो, आप इसको भी ले सकते हो, कोई भी ले लेना, मैंने आपको इतने सारे दिखा दिए तो ये डॉट एंड की का ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डॉट एंड की मेरा पर्सनल फेवरेट है आज की डेट पे, मैं इससे पहले पिलग्रिम्स भी यूज़ करती थी बट समहाउ पिलग्रिम के प्रोडक्ट जो स्किन देखो जेन्युइन मैं आपको बताऊंगी पिलग्रिम्स के जो इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा थोड़ा यू नो हार्श लगते थे मेरी स्किन के क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन बट माइन वन लाइक सेंसिटिव स्किन है तो मेरे को सिर्फ डॉट एंड की के ही प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो ये वाला सीरम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये भी मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ बट
गुड वाइब्स 100 out of 100। ठीक है, इसके बाद गाइस आता है जब आपने सीरम लगा दिया, फिर आपको लगाना पड़ता है मॉइस्चराइजर। ये सारी चीज़ें हम लॉक करते हैं अपनी स्किन को, अपने बैरियर बना रहे हैं। आप देख रहे हैं जो यूवी रेज आती है हमारी स्किन के लिए, उसके लिए हम बैरियर बना रहे हैं ताकि वो हमारे स्किन को हार्म ना कर सके। हम इसलिए इन चीज़ों को लगाते हैं ताकि लेयर आउट ऑफ लेयर बन जाती है ना, हमारी जो नॉर्मल स्किन है वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आती है कि मॉइस्चराइजर कौन सा लगाना चाहिए। एंड आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर। इससे पहले मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लगाती थी, लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो कि है अब ये ब्लू वाला जो आप देख रहे होंगे, मेरे पास नहीं है अभी, पर पहले इसको यूज़ करती थी। उसके बाद ब्रांड ने मॉइस्चराइजर भेजना शुरू कर दिए थे, देन आई जस्ट लव टू यूज़ डॉट एन की के मॉइस्चराइजर। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये मॉइस्चराइजर। ये है डॉट एन की का विटामिन सी मॉइस्चराइजर। एंड गाइज ये सारी स्किन टाइप के लिए जाता है, ऑयली सेंसिटिव और नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले इसको लगा सकते हैं। काफी अच्छा फॉर्मूला है एंड बहुत ज्यादा सूदिंग करता है आपकी स्किन के लिए। तो दिस वन इज रियली रियली जेंटल ऑन योर स्किन ऑल्सो, सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसका छोटा पैक भी आप ले सकते हैं अगर आपको बड़ी बॉटल नहीं लेनी है तो येस डॉट एन की का वाइटामिन सी सुपर लाइट मॉइस्चराइजर इज रियली नाइस। इसका एक वेरियंट और है बायोटिक एंड इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी। ब्रांड ने ही भेजे थे, ब्रांड ने ही मुझे भेजा था फर्स्ट टाइम, बट सेकंड टाइम हमें खुद खरीदना पड़ता है। तो आई विल बाय दिस बॉटल अगैन। ये बहुत ज़्यादा जेंटल थी मेरी स्किन के लिए एंड मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यस, ये दूसरा आप भी इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास पिलग्रिम्स के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। तो पिलग्रिम्स का ये रेड वाइन वाली क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज इसके ना SPF भी था फेस क्रीम के अंदर। आप इसको मॉइस्चराइजर की जैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एम्प्टी है, खाली कर चुकी हूँ बिकॉज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। लिंक्स आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, चेक करना ना भूलेगा। इसके बाद आपको यार ये ग्लो मॉइस्चराइजर है एंड दिस वन इट्स रियली रियली नाइस मॉइस्चराइजर। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो ये मॉइस्चराइजर है सिक्वेलिन है, आपकी स्किन को नरिश और हाइड्रेट रखता है। एंड जो इसका फॉर्मूला है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ऑलमोस्ट थोड़ी सी बची है क्योंकि मैं यूज़ कर दिया है। तो ये था मॉइस्चराइजर जो मैं जेनरली लगाती हूँ बिकॉज आई जस्ट लव टू यूज़ यू नो मॉइस्चराइजर लगाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मुझे स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद आता है सनस्क्रीन जो कि आपके मेकअप से पहले की प्रोसेस होती है। कुछ भी हो, सर्दी गर्मी बरसात, नेवर स्किप टू अप्लाई सनस्क्रीन। अब मैं आपको बताऊंगी एक सीक्रेट कि आपको ऑयली स्किन के लिए कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए। इसी के लिए मतलब आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आपको पता है ना कि सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए यू नो बहुत ज़्यादा यू वाइट कास्ट आ जाती है स्किन पे, उसके बाद हम पता नहीं मेकअप अप्लाई करते हैं तो हमारा मेकअप ड्यूई लगता है, बहने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं आपको एक ऐसा सनस्क्रीन बताने वाली हूँ जो ऑयली स्किन वालों के लिए यू नो एक वरदान के जैसे होगा कि आपकी आपको लगेगा भी स्किन में कि आप इसको लगा सकते हैं, उसके बावजूद भी आप इसको। सो गाइज नाउ लास्टली बात आती है सनस्क्रीन की। आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन। मेरे पास बहुत सारे सनस्क्रीन हैं, डॉट एन की का है, अर्थ क्रिदम का है सनस्क्रीन, वाओ का सनस्क्रीन है। सब क्लेम करते हैं कि आपके स्किन के वाइट कास्ट नहीं देंगे, बट फिर भी आपके स्किन पे वाइट कास्ट आ जाता है। बट जो मैंने अभी ये सनस्क्रीन यूज़ करा था ये है डॉट एन की का वाइटामिन सनस्क्रीन। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा यू नो वाटरी टाइप का होता है, स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसका मेरे पास वाटरमेलन वाला भी है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट इनके अलावा मैं आज आपको एक सनस्क्रीन दिखाऊंगी जो कि मैं आधा ख़त्म कर चुकी हूँ एंड ये शायद आपको पता नहीं कि कोई बताएगा नहीं बताएगा, बट दिस सनस्क्रीन इट्स रियली रियली गुड, बेस्ट इन द मार्केट। आपको ये सनस्क्रीन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करा था, जब मैंने उनको बताया था कि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट लगती है, तो उन्होंने मुझे ये सनस्क्रीन यूज किया था। ये ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है, अमेजोन फ्लिपकार्ट आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। सो गाइज ये है सन ब्लेज सनस्क्रीन, सिलिकन बेस्ड है, दैट्स वाई आपकी स्किन के लिए का बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ये है PA++++ विथ SPF 50 है इसके अंदर फॉर कम्प्लीट सन प्रोडक्शन। ये आपको कम्प्लीट सन प्रोडक्शन देता है। लुक एट द ट्यूब, आधे से ज़्यादा मैं खाली कर चुकी हूँ, बट इट्स रियली गुड। मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये क्यों लगाना चाहिए। और जो सनस्क्रीन होते हैं लाइक आप ये वाला सनस्क्रीन ले लो, अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रॉप भी आप इसकी लेते हो एब्जॉर्व करने के बाद आपको घंटों लग जाएंगे इसको एब्जॉर्व कराने में, ताकि आपकी स्किन को वाइट कास्ट ना दे, आपके स्किन के लिए कम्प्लीटली एब्जॉर्व हो जाए। सनस्क्रीन आपको आधा घंटा पहले लगाना चाहिए भाई, दबे बता दूँ मेकअप से पहले। तो देखो अब जाकर के ये पूरा एब्जॉर्व हो गया, ठीक है। तो इधर ये सनस्क्रीन लगाया, इसमें कुछ नहीं, इधर मैं आपको दूसरा सनस्क्रीन लगा के दिखाई, आधा खाली हो जाएगा बिकॉज मैंने जून जुलाई में हमेशा सनस्क्रीन को लगाया, ये बहुत जल्दी गायब हो जाता है। एंड सी द सनस्क्रीन, आप इसको ले, ये ट्यूब में आता है पहले तो, एंड सी इतना सनस्क्रीन आप ले लिया
अब देखना मैजिक कि कितनी जल्दी गायब हो जाता है। सी आप बस इसको लगाओ एंड इट्स ऑल। सी कितना अच्छा सनस्क्रीन है, मैट फिनिश है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं दिया है। अब आप पास से देख लो एंड ये काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को एंड इतना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है बिकॉज सिलिकन बेस्ड है ना, आपके मेकअप को भी परफेक्ट बेस दे देता है, ये मेकअप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, दैट्स वाई आई जस्ट लव दिस सनस्क्रीन। एंड जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना, डर्मेटोलॉजिस्ट को सब कुछ पता होता है, तो दिस वन इट्स रियली रियली नाइस, जस्ट गो एंड बाय दिस। सो गाइज, यही था आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।